ये भी सर घोड़ी है? हाँ जी घोड़ी है। ओके, किस लाइन की क्या है सर ये? ये पोतड़ी वाला स्टालिन था ना, हाँ हाँ, उसकी डायरेक्ट बची है। अच्छा, तो अभी वो घोड़ा है? नहीं वो तो वहाँ जो है चला गया, तो काफ़ी टाइम हो गया। ओके, करीबन अबाउट 25 ईयर ओल्ड हो गए। और उसकी इसकी माँ माँ भी नहीं होगी सर? माँ भी मर गई है ना। कितने साल की है ये? 29 ईयर की है। 29 साल की है, 29 साल की घोड़ी है। तो बच्चे वगैरह कितने क्या दे चुके हैं? अठारह नंबर का बच्चा है। अच्छा, ये 18वां नंबर का बच्चा है यानी कि है, तो काफ़ी मजबूत घोड़ी है यानी कि है। अभी भी मेरे को लगता है कि चल जाएगी 7-8 साल। सही, भगवान दया से रेवत जी की मेहरबानी के हिसाब से 5-6 फॉलोअर आराम से दे। यानी कि मेरे को लगता है कम से कम 23-24 के करीब बच्चे दे देगी, है ना? इसको सही सलामत रखा तो 23-24 तक। तो यानी कि इतनी साल तक चल पा रही है और बच्चे दे पा रही है, क्या कारण है? खान पान या खान पान और जो रख रखाव का तरीका है ना। ओके, शुरू से ही मेंटेन रखी हुई है। तो ये बचपन से आपके पास ही थी या लेके आए? यानी बचपन से 29 साल से यानी आपके पास ही है? पूरे 18 के 18 बच्चे अपने घर में ही किए। 18 के 18 पूरे बच्चे हैं। मेरे को लगता है बाहर से आई होती तो इतना कुछ नहीं हो पाता। ओके, ये मेरी फादर के टाइम से है। अच्छा, फादर के टाइम से है। तो सर जैसे कि बच्चा अब होता होगा तो उसका कैसे रख रखाव करते हो यानी कि? बच्चा तो अभी जैसे घोड़ी के साथ जो मेंटेन कर रहे हैं ना अपन, धीरे धीरे भी ये 15 दिन का हुआ है। ओके, अभी 4 महीने का हो जाएगा। अच्छा, 4.5 महीने का, उसके बाद उसको अलग करेंगे धीरे धीरे। फिर उसको एक्स्ट्रा डाइट अपन गाय का दूध देना चालू कर देंगे। ओके, थोड़ा थोड़ा उसके हिसाब से और कोई खाने पीने का अलग से घी है, कोई दाना बनाया हुआ उसमें मजबूत जो इसके हाइट वाइट अच्छी ले ले, ऐसा कोई प्रोटीन। तो आप कितने दिन में इसको दूर कर देते हो बच्चों को? नहीं, ये 4-4.5 महीने के बाद। 4-4.5 में। तो जिसने जो 18 बच्चे आपने इससे लिए हैं वो एक ही घोड़े के बच्चे थे या अलग अलग? सब अलग अलग। अच्छा, सब अलग अलग दिए हैं? सब लगभग अलग अलग दिए। ओके, क्या नाम रख रखा है इसका? इसका लक्ष्मी नाम है। लक्ष्मी, तो आपने नाम भी ऐसा ही रखा है कि जो लक्ष्मी की तरह आपको दे रही है बराबर। वैसे कितने साल तक घोड़ी चल जाती है? घोड़ी मेंटेनेंस ये पैरों की बनावट उसके हिसाब से भी, मेन घोड़े को खड़ा किस पे पैरों पे रहना, पैरों पे ही रहना है वो तो। बिना पैर मजबूत है तो, बिना पैरों के तो क्या है, कुछ नहीं है। पैर मजबूत है तो घोड़ा मजबूत है। तो यानी कि आपके करियर में आपने कितने साल की घोड़ी देखी है? मेरे करियर में 122 फॉलो दी हुई मैंने। 22? हाँ 22, मेरे गुरुजी के आश्रम में दी। ओके, 22 बच्चे दिए। और मेरे को लगता है दूसरी आपकी होगी। हाँ, ये सब लगभग हो जाएगी, है ना? तो आपके पास में इससे ज़्यादा यानी कि ऐसी कोई घोड़ी और नहीं? सबसे ज़्यादा उम्र दराज यानी कि। ओके, आपके स्टेट फॉर्म की सारी घोड़ियाँ सीखती होगी इससे यानी कि। ओके, तो सर बच्चा भी यानी कि जो एक कलर है इसी पे आ जाएगा या ये इसी? सेम कलर है यानी कि, अभी छोटा है इसलिए, है ना? ओके, बाहर निकालते बच्चे कूदने लग जाते हैं यानी कि, है ना? पर एक ये है कि जैसे कि कैमरे के सामने भाग नहीं रहा है और बच्चे कैमरा देख के भाग जाते हैं। ये भी क्या है, 15 दिन का हुआ, इसको मालूम नहीं है कुछ। अच्छा, कुर्सियाँ देख रहा है, देखो। अच्छा, कुर्सियाँ देख रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा यानी देख रहा है कुर्सियाँ होती कैसी है। वो ये छोटे बच्चों की तरह, वो जैसे कि उनको कुछ भी दे दो तो मुँह में देने लग जाते हैं, उसी तरह ही है नहीं। बाकी का सारा इंसान की तरह है यानी कि, है ना? पूरा पूरा इंसान की तरह, इंसान को जो बीमारी होती है वही इनको होती है, बस थोड़ी बहुत दवाई अलग है, वरना दवाई भी सेम हो सकती थी। और डोज भी उसमें, ये इंसान में जो इंसान का डोज है उसका 4 गुना डोज घोड़े में है। 4 गुना डोज घोड़े को दिया जाता है? सेम टू सेम। ओके, तो सर जैसे कि घोड़े को दस्त वगैरह हो जाते हैं तो उसमें क्या दवाई देते हो आप यानी कि? उसमें तभी जो अपने यहाँ से मेडिकल ये भी देते हो, और देसी की टाइप में जैसे इसबगुल है, वो गुआर रहता ना, गुआर। ओके, गुआर को गर्म करके उसको तवे पे सेक के उसको भी देते हैं, उससे भी मिट जाती है। ओके, सही हो जाते हैं उससे? उससे सही हो जाती है। ओके, और खांसी वगैरह में क्या देते हैं सर? जैसे खांसी वगैरह हो जाती है, खांसी हुई उसमें अजवाइन का धुआं भी देते हैं, जुकाम खांसी होती है ना। ओके, अजवाइन उसमें कलथन बरक पे उसका धुआं भी देते हैं, उससे भी ठीक हो जाती है। ऐसा कोई ज्यादा तो फिर मेडिसिन तो देनी, आज तो दवाई तो, आज तो पूरा मेडिसिन का दौर चल रहा है। पहले यानी कि तो सबसे पहले तो आप तो पहले देसी देते हो, बाद में विदेशी देते हो? सब देसी वाला ही मामला था, डॉक्टर भी कहाँ थे और कहाँ ऐसे यहाँ फॉर्मों पे आके डॉक्टर विजिट करते थे, वो भी मुमकिन नहीं था। ओके, पहले तो कोई गांव में डॉक्टर रहता था, एक आध डॉक्टर रहता था, वो भी घोड़ी वहाँ लेके जाना पड़ता था, ऐसा सब था। और एरिया में इतने घोड़े भी नहीं है तो डॉक्टरों को भी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी।
तो सर जैसे कि घोड़ी प्रेग्नेंट होती होगी तो आपको कैसे पता लग जाता है घोड़ी प्रेग्नेंट हो गई है? प्रेग्नेंट तो अभी क्या, जो इस हिसाब से तो उसके लक्षण दिख जाते हैं अपने को कि भाई घोड़ा कवरिंग कराए हुए इसको महीना हो गया कि डेढ़ महीना हो गया है, इसके लक्षण में कितना फर्क पड़ गया, हाव भाव में कितना फर्क पड़ गया, उससे थोड़ा जज ले लेते हैं, यानी उससे जज हो जाता है कि उसके बाद में भी सिक्योरिटी नहीं रहती है तो फिर डॉक्टर से चेक करा लेते हैं लेकर अभी मशीन से। और जब घोड़ी जैसे कि मान के चलो बच्चा देने वाली है तो उस टाइम पे क्या घोड़े की क्या वो रखते हो यानी कि परवरिश? जो बच्चा देने लगती है तो पहले एक दो दिन पहले एक तो डाइट थोड़ी कम लेगी। अच्छा, डाइट कम कर दे तो थोड़ा ओके, अब वो कम ले लेगी, कम ही ले लेगी। उसकी जो लीड है ना, लीड हल्की पतली होनी चालू हो जाती है, थोड़ी हल्की, यानी कि हल्के से 10 टाइप माँ बोले तो यानी कि। और वापस दूध बहुत सी घोड़ियों में दूध पहले टपकना चालू हो जाता है। अच्छा, टपकना चालू हो जाता है तो उससे ये पता लग जाता है फॉलो आज रात को या कल रात तक ये फॉलो दे देगी, दे देगी, यानी उससे आइडिया हो जाता है। अगर और बहुत समय नहीं भी टपकता होगा दूध, ऐसा भी हो सकता है? घोड़ी ऐसी है कि वो जो ठंड देने बच्चा देने के बाद दूध बाद टपकाती है। ओके, बाकी जैसे अभी दिन पूरे हो जाते तो अपने ध्यान पूरा रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा, यानी कि बराबर बहुत देखना पड़ता होगा। उसकी डेट आ गई है समझो 11 महीने सवा 11 महीने उसके हो गए तो ओनर को उसके हिसाब से पूरी। तो जैसे कि आप जिस आज घोड़ी आपने कवर कराई है तो आप उस दिन की डेट लिख लेते हो यानी कि उस दिन की, और उस हिसाब से आप आइडिया लगा लेते हो यानी कि, है ना? उसके हिसाब से भी जैसे आज 24 है, 24 के हिसाब से घोड़ा कवरिंग करा दिया है, वापस 11 महीने हो जाएंगे तो 11 महीने के टाइम में अपने को तैयार रहना चाहिए कि भाई अटेंशन के कभी भी दे सकती है यानी कि। बहुत सी घोड़ी अभी ये बुढ़ी घोड़ी है तो अभी क्या इतनी ताकत नहीं है इसमें। ओके, तो ये एक बार फॉलो देने के लिए जमीन पे गिर जाती है ना, फिर धीरे से जाके हाथों से डिलीवरी करानी पड़ती है, यानी कि हाथों से यानी कि। ओके, तो क्या गल्फ पहन के थोड़ी सेफ्टी रह गई, फिर क्या घंटे भर पे अभी क्या बुढ़ी ज्यादा हो गई है, ताकत नहीं है इतनी इसमें। ओके, तो घंटा भर ये फिर खड़ी भी नहीं हो सकती। ओके, तो थोड़ा अपने को बच्चे को व्यवस्थित कर। पर एक बात ये भी है ना सर, आपके पास सबसे एक्सपीरियंस वाली है और सर 18 बच्चे दे रही है तो थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, अब उम्र का तो एक फैक्टर आएगा ही आएगा। और उम्र के हिसाब से यंग जो रहते हैं घोड़े उनमें तो ताकतफुल रहती है, बच्चा हल्का बाहर भी नहीं आए तो वो ताकत से भी इनमें ताकत भी बहुत कम होगी। और घोड़िया थोड़ी सीधी भी रहती है यानी कि सीधी, बहुत सी घोड़िया अंदर भी आने नहीं देती है लेकिन वो भी अपने को पूरी सेफ्टी रखनी पड़ती है। स्वभाव में कैसी है? स्वभाव में ये तो पूरी सीधी है, पूरी सीधी है। ओके,